हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई एग्जाम बी में। सो गाइस, आज के हमारे इस वीडियो में हम फुल डे एनालिसिस लेके आए हैं आपके लिए 5 अगस्त 2022 के लिए। ओके सो गाइस, डेली हमारा ये जो ये वीडियो है करंट अफेयर का आप लोगों के पास आता है, जिसमें हम लोग डेली क्या करते हैं, फुल डे एनालिसिस करते हैं। हमारी जो बीपीडिया आती है डेली, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस आप तक जाता है। तो गाइस, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, मान लो बैंकिंग की कर रहे हो, आप और भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो करंट अफेयर है हम लोग यहाँ से कवर कर लेते हैं। और अधिक जानकारी के लिए, जैसे कि यहाँ पे तो हम लोग समरी बना के देते हैं आपको एक तरीके से कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए इसे हिंदी माध्यम में पढ़ना है, मान लीजिए आपको इसे डेली पढ़ना है, आपने इसे वीकली पढ़ना है, आपने मंथली पढ़ना है, तो आप तीनों ही फॉर्मेट में, ठीक है, दोनों ही मीडियम में, इंग्लिश और हिंदी, आप आई एग्जाम बी की वेबसाइट से इसे अवेल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर एवरी स्टूडेंट। जो भी आप वहाँ पे आप देखना चाहते हो, आपको इन डेप्थ नॉलेज वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। हर एक फील्ड से, हर एक सेक्टर से आपको देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक सेक्टर का अलग मिलेगा, आरबीआई और सेबी की न्यूज़ आपको अलग मिलेगी वहाँ पे, आपको नबार्ड एग्रीकल्चर की न्यूज़ अलग मिलेगी, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट, तो आपको सारे के सारे जो न्यूज़ हैं वो आपको अलग अलग मिलेंगी और एक बहुत ही सॉर्टेड फॉर्म में मिलेंगी और आपको क्रिस्प फॉर्म में मिलेंगी। पहली बात तो बल्कि सा एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत बल्कि आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो काफ़ी एक सॉर्टेड वे में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एनालिसिस। तो देखिए, हमारी अगर सबसे पहले हम लोग बात करें इकोनॉमी न्यूज़ की, जैसे कि मैंने आज सबसे पहले इकोनॉमी न्यूज़ लिया है। सबसे पहले आपका हमारा जो आइए है कोल सप्लायर इन जुलाई 2022। तो कोल सप्लायर की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो रशिया बन गया है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कोल सप्लायर जुलाई 2022 के लिए। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे जुलाई 2022 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2.06 मिलियन टन क्या करा है हमने, पर्टिकुलरली लार्जेस्ट कोल सप्लायर सप्लाई किया है कहां से, रसिया से। ओके, तो यहां पे आपने ध्यान देना, जून 2022 के बाद पर्टिकुलरली यहां पे क्या था, ये सिनेरियो आ गया था। तो यहां पे जुलाई का कितना है यहां पे, तो आपने इस चीज को देखना है। तो ये है पर्टिकुलरली हमारा डाटा जुलाई के लिए। ओके, तो यहां पे मैं आपको एक और चीज बता दूंगा कि जो कोल है, कोल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन पूरे दुनिया में चाइना करता है, सेकंड नंबर में इंडिया है, इंडिया सेकंड रैंक इसकी तीन चीजों में है कोल से रिलेटेड, प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और कंज्यूमर, तीनों में ही आपको इंडिया सेकंड रैंक में देखने को मिलेगा। तो यहां पे ये चीजें इंपॉर्टेंट है। रशिया की जो करेंसी है दैट इज रशियन रूबेल, ये आप लोग ध्यान रखना, और जो इसकी कैपिटल है दैट इज मॉस्को, बिकॉज यहाँ पे एक रिवर है मॉस्कोविटा। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मॉस्को, पर्टिकुलरली मॉस्कोवा। ठीक है, उसके कई अलग अलग भाषाओं में अलग अलग इसके नेम्स हैं, मॉस्कोवा भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लोगे मॉस्कोवा पर्टिकुलरली एक रिवर है जिसके किनारे आपको मॉस्को मिल जाएगा, जो आपको कहाँ पे मिलेगा, यूरोप वाले कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। इसीलिए यूरोप, जो यूरोप वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला, रशिया वाला, तो उसे हम बोलते हैं यूरेशिया। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे 75,000 स्टार्टअप रिकॉग्नाइज। तो जो हमारे स्टार्टअप हैं अभी तक, ठीक है, उनको कितने रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, 75,000 स्टार्टअप हमारे रिकॉग्नाइज हो चुके हैं। यहाँ पे 2015 में इसकी उद्घोषणा हुई थी कि हम लोग स्टार्टअप इंडिया को स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद 2016 में इसको एक तरीके से ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, किसके द्वारा, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके वर्तमान में जो कि करंटली इसके जो मिनिस्टर हैं दैट इज पीयूष गोयल। ओके, तो यहाँ पे 75,000 स्टार्टअप जो अभी तक रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, गवर्नमेंट ने ये बताया है। ओके, इसमें से 49% यानी कि आप ये मान सकते हो लगभग 50% आपको टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज में देखने को मिलेगा। टीयर टू टीयर थ्री सिटीज ऐसे सिटीज होती हैं जो पर्टिकुलरली जिनकी जनसंख्या थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू टीयर वन। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, ये जो स्टार्टअप हैं अभी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इतने स्टार्टअप की, तो यहाँ पे 12% जो हैं वो आईटी सर्विसेज हैं, आईटी सर्विसेज जो प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि आपकी कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं वो सब आईटी सर्विस प्रोवाइड कराती है। 9% हेल्थ केयर से है जो कि लाइफ साइंसेज का ही पार्ट है। 7% आपकी एजुकेशन यानी कि एडिटेक से हैं। 5% आपकी प्रोफेशनल एंड कमर्शियल सर्विसेज हैं और 5% आपकी एग्रीकल्चर से हैं। तो यानी कि सबसे बड़ा पार्ट जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप हैं
उसमें से आपको 12% देखने को किसमें मिलेगा, पर्टिकुलरली यहाँ पे आईटी सर्विसेज। तो ये एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, स्टार्टअप 2016 में, स्टार्टअप इंडिया 2016 में क्या हुआ था, पर्टिकुलरली लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा। 2015 में इसकी ऑफिशियली एक तरीके से क्या कर दी गई, घोषणा कर दी थी हमारे पीएम ने, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा इसको चलाया जाता है। तीसरा है कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, ठीक है, प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस। तो कंजप्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड नेचुरल गैस का यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, कई बार एग्जाम में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो कंजप्शन है पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से हो गए आपके, पेट्रोल डीजल केरोसिन, ठीक है, और नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में आपके एलपीजी, पीएनजी, ठीक है, सीएनजी, ये सारी कौन सी है, गैस कंजप्शन है। तो हमारी कंट्री में ड्यूरिंग 2021-2022 के बीच में कितना रहा है, 204.3 MMT, ठीक है, तो ये आपका, एंड 63.91 बिलियन क्यूबिक मीटर BCM। तो ये आएगा तो नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि पर्टिकुलरली बिलियन BCM वाला कई बार आता है, 63.91 हमारा रहा है 2021-22 यानी कि 22 वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो कंजप्शन है इतना रहा। और ये हमारा किसका है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है और हमारे नेचुरल गैस प्रोडक्ट्स हैं। ये तो थी हमारी गाइस इकोनॉमिक न्यूज। दूसरा आता है इंस्टीट्यूशन इन न्यूज, यानी कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA बोलते हैं इसे, और पहली बार वजन के ऊपर पर्टिकुलरली क्या लगाया है इन्होंने, एक जो प्रेशर कुकर था वहां पे, ठीक है, उन्होंने जो उसकी क्वालिटी थी वो उस प्रकार से नहीं थी जितना कि वो पैसा चार्ज कर रहे थे। तो इन्होंने अमेजन के ऊपर ये यहाँ पे चार्ज लगाया है, कितने का, 1 लाख का, पर्टिकुलरली CCPA। यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान देना है, CCPA पर्टिकुलरली यहाँ पे आपका हो चुका है, वायलेशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स यहाँ पे आप देखने को आपको मिलेगा। ओके, PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो यहाँ पे PFRDA जो है, हैज डिसाइडेड टू स्टॉप एक्सेप्टिंग पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो आपका NPS है, नेशनल पेंशन जो स्कीम है आपकी, उसमें जो भी आपका कंट्रीब्यूशन जाता है अब वो क्रेडिट कार्ड से नहीं हो पाएगा, जिसे इन्होंने बोला है टीयर टू के अकाउंट्स में। NPS में आपको बहुत तरीके के अकाउंट्स देखने को मिलेंगे, टीयर वन, टीयर टू, तो यहाँ पे टीयर टू के अकाउंट्स में अब जो आपका पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड से आप नहीं कर सकते, वो मोड जो है आपका पेमेंट का वो क्रेडिट कार्ड से नहीं होगा। तो ये आपने ध्यान देना है NPS के बारे में, PFRDA की एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि ये पेंशन जो सेक्टर है हमारा उसका एक रेगुलेटर है PFRDA। ओके, तो ये PFRDA की जो एस्टेब्लिशमेंट थी पर्टिकुलरली 2003, इसका क्या है आंसर है, 2003 में इसकी क्या हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और अभी करंटली इसके चेयरमैन कौन है, सुप्रीतम बंदोपाध्याय, सुप्रीतम बंदोपाध्याय इसके करंटली चेयरमैन हैं। तो ये आपने यहाँ पे इतना ध्यान देना है। नेक्स्ट देख लीजिए, मर्जर सेल इन न्यूज, क्या मर्जर हुआ है, क्या किसी ने अपने स्टेक बेचे हैं। तो यहाँ पे टाइगर ग्लोबल एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, ठीक है, टाइगर ग्लोबल है, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अपने स्टेक किसमें, जोमेटो में, जोमेटो कल भी न्यूज में था, कल भी मैंने आप लोग को बताया था। तो जोमेटो में जो इनके स्टेक्स थे, जो इनके शेयर्स थे, इन्होंने सेल आउट कर दिए हैं। ओके, इन्होंने कितने सेल शेयर करे, अपने आधे शेयर। तो यहाँ पे इनके जो पहले शेयर थे वो 5.2 समथिंग थे, तो इन्होंने उसका 2.77 यानी कि उसको क्या कर दिया है, पूरा का पूरा सेल कर दिया है, जो भी उनका अपना शेयर था उसका हाफ क्या कर दिया उन्होंने, सेल कर दिया जोमेटो का। तो जोमेटो कि एस्टेब्लिशमेंट आपको कब देखने को मिलती है, दैट इज 2008, और इसको एस्टेब्लिश किसने किया था, दैट इज दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा, दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने मिलकर एस्टेब्लिश किया था। ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि किस, ये जो जोमेटो में किस कंपनी ने अपने जो स्टेक है उसको आधा कर दिया, दैट इज टाइगर ग्लोबल, ये है आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट है एग्रीमेंट बिल इन न्यूज, क्या एग्रीमेंट हुआ है किसी के बीच में, कौन से बिल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, रिलायंस एंड बैलेंसियागा, देखिए रिलायंस इंडियन कंपनी है और बैलेंसियागा भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये कंपनी है स्पेन की,
ठीक है, ये स्पेन की कंपनी है जिसकी जो कैपिटल है दैट इज मैड्रिड। तो ये जो बैलेंसिया है इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या करेगी, अब इंडिया इंडिया की जो ये कंपनी है रिलायंस, ये इसकी पार्टनर बन जाएगी इनके ब्रांड को लॉन्च करने में। इनकी कंट्री, हमारी जो कंट्री है इसमें ये आना चाहते हैं, जिसमें जो लॉन्चिंग करने में कौन हेल्प करेगा, आपका रिलायंस करेगा। दूसरा है वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट विद असम। देखिए वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट को आज की डेट में आप एक ही कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टेक्स फ्लिपकार्ट में अब किसके पास है, किसके पास है, यहाँ पे वॉलमार्ट के पास है। फ्लिपकार्ट को 2007 में किसने एस्टैब्लिश किया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बिनी बंसल एंड सचिन बंसल, इन दोनों ने मिलकर फ्लिपकार्ट को क्या करा था, इस्टेब्लिश करा था, इसकी मतलब इसको बनाया था इस कंपनी को। तो यहाँ पे वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट साइंड अ एमओयू विद असम इंडस्ट्री, यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि असम की जो एमएसएमई सेक्टर है, ठीक है, मीडियम इसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे उस चीज को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई सेक्टर जो कि असम में है उसके ई कॉमर्स सेक्टर को, जो कि जो ई कॉमर्स है इनका, उसके चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए वॉलमार्ट एंड फ्लिपकार्ट ने क्या करा है, एग्रीमेंट करा है असम की गवर्नमेंट के साथ। असम के सीएम कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक है, और यहां पे इनके जो गवर्नर है दैट इज जगदीश मुखी। तो ये आपने यहां पे ध्यान देना है, दो चीजें मैंने आप लोगों को और एक्स्ट्रा बता दी हैं। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 1959 में क्या हुई थी, एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1959 में, ठीक है। श्रीकांत माधव वैद्या इसके करंटली चेयरमैन हैं। तो यहां पे आप ध्यान देना, मैं यहां पे लिखता हूं श्रीकांत माधव वैद्या, ठीक है। तो ये हो गया आपका IOCL। IOCL साइंड एन MOU, ठीक है, विद दो बांग्लादेश। तो यहां पे आपने ध्यान देना है, एन नहीं होगा, यहां पे सीधा आएगा IOCL साइंड MOU विद द बांग्लादेश। अब क्या करा IOCL ने, बांग्लादेश के साथ जिसकी कैपिटल है ढाका, जिसकी करेंसी है टका, तो बांग्लादेश के साथ एक टेरिटरी एग्रीमेंट कर लिया, जिसके तहत अगर कभी त्रिपुरा और कभी मिजोरम, यहाँ पे आप देख रहे हो जो हमारी जो टेरिटरी है पर्टिकुलरली, वो किससे ज्यादा पास पड़ती है, ढाका से आसपास पड़ती है, कौन सी वाली, आप देखोगे हमारे नॉर्थ ईस्ट वाली, जहाँ पे आपको त्रिपुरा मिलेगा, मिजोरम मिलेगा, और हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे स्टेट्स मिलेंगे जो कि यहाँ पे किससे जुड़े हुए मिलते हैं, IOCL के जो रोड लाइन जाती है कहाँ से, चिकन नेक से जो कि होते हुए जाती है आपके वेस्ट बंगाल से। तो यहाँ पे जो IOCL है इन्होंने MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किससे करा है, बांग्लादेश से करा है, बांग्लादेश रोड से एंड हाईवे डिपार्टमेंट से, ताकि ये लोग ढाका से अपने शिपमेंट यानी कि जो इनके ट्रक्स हैं उसको ले जा सकें जब इमरजेंसी की जरूरत पड़ी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम आपकी टेरिटरी को यूज़ करेंगे जब कभी भी ऐसा जरूरत पड़ेगी कि हमको त्रिपुरा या फिर जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो कि जुड़ता है हमारा किससे, बांग्लादेश से, तो हम आपका जो रोड है, जो हम आपकी रोडवेज है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ठीक है आप इसको कर सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट IOCL और बांग्लादेश के बीच में हुआ है, ठीक है। नेशनल न्यूज़, तो नेशनल न्यूज़ में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट, दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट अभी तक बनके तैयार नहीं हुआ है, अभी बनने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इस साल के एंड तक ये बनके तैयार हो सकता है। तो यहाँ पे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, इसको कहाँ पे बिल्ड करा है, ओमकारेश्वर डैम में, ठीक है, ऑन नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर में। तो नर्मदा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, कहाँ से निकलती है नर्मदा, अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से, ठीक है, और कहाँ पर जाकर गिरती है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो यहाँ पे कहाँ पे गिरेगी, अरेबियन सी में गिरती है, ओके। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को ध्यान देना है, तो ये नर्मदा रिवर में है आपका ओंकारेश्वर डैम, जिसमें इसके वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, 3000 करोड़ की जो इसमें कॉस्टिंग आ रही है वो इसमें टोटल लगनी है। तो जो ये फ्लोटिंग पावर प्लांट है तो ये जनरेट कितनी करेगा, 600 मेगावाट को ये क्या करेगा, जनरेट करेगा, कब तक, 2022-23 तक, यानी कि आप ये मान सकते हो कि जो अगला वाला 2023 वाला साल है उसके अंतर्गत ये 600 मेगावाट की जो बिजली है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से बन रही है उसे जनरेट करेगा, जिससे जो भारत का जो यहाँ पे हमारा जो एम है
कि हमने क्या करना है जो 2023-2040 तक हमको पर्टिकुलरली, जैसे आप कुसुम योजना देखते हो और भी सारी योजनाएं इसके तहत एम टारगेट करा गया कि हमने इस साल तक हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेस है उसको हमने बढ़ाना है या कम करना है या फिर 30-40% तक कम करना है या फिर बढ़ाना है, तो वो सारे के सारे इसके अंतर्गत भी आते हैं। इन्हीं चीज़ों से उसको हेल्प मिलती है उन टारगेट को अचीव करने में। ठीक है, कुछ स्टेट्स हैं आज जो न्यूज़ में है, दैट इज़ यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुई थी। ठीक है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन पेरिस। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी हेरिटेज लिस्ट में यहाँ पे बिहार का एक लंगत सिंह कॉलेज जिसकी एक एस्ट्रोनॉमी लैब है उसको इन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज में सम्मिलित कर लिया है, जिससे अब क्या होगा इसके संरक्षण में, इसके पर्टिकुलरली उसको क्या करेगा, उसको ये लोग प्रोटेक्ट करेंगे, उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने क्या कर लिया, एंटर कर लिया, ऐड कर लिया है एंडेंजर्ड लिस्ट में, जो ये कौन सा है, एंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज ऑफ द वर्ल्ड में इसको हमने क्या कर लिया है, ऐड कर लिया। ओके, तो ये है कुछ हमारे बीपीडिया के ग्लिम्स, यानी कि हम बीपीडिया में किस प्रकार से कवर करते हैं आप देख सकते हो। आप सिंपली अगर आई एग्जाम की वेबसाइट में जाते हो तो आप अगर आप वहाँ पे करंट अफेयर क्लिक करते हैं तो करंट अफेयर में आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा डेली, वीकली और मंथली। वहाँ पे आपको मीडियम भी देखने को मिल जाएगा इंग्लिश और हिंदी। तो वहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से, अगर आज का हमारा 5 अगस्त का अगर आप देखना चाहोगे तो वहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से जो हमारी जो नेशनल न्यूज़ है उसके नीचे आपको ऐसा देखने को मिलेगा, जहाँ पे यू ललित क्या है, हमारे 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको पता है भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना 1935 है, 1935 है, उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, ये 26 जनवरी 1950 में क्या कर लेते हैं इसको, भारत क्या कर लेता है एक्चुअली, इसे यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेता है न्यू दिल्ली में। ओके, तो भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, भारत के एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस जो प्रेसिडेंट बने, दैट मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो गए। लेकिन आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि हुआ क्या था, भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, तो भारत में यानी कि इंडिया में सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट है ये इस्टेब्लिश हुआ था बंगाल में। ठीक है, बंगाल सुप्रीम कोर्ट जिसके फर्स्ट चीफ जस्टिस बनाए गए थे एलिजा एम्पले। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना है, जब पहली बार भारत में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे उसी के साथ साथ भारत में, भारत के जो बंगाल वाला प्रांत था, बंगाल वाला प्रोविंस था, जहाँ पर जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, वहाँ पे रूल करते थे, उन्होंने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश भी किया था। तो कभी क्वेश्चन आएगा आप लोगों का कि पहला सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे था, दैट इज़ इन बंगाल, हालांकि वो आज की डेट में क्या है, हाई कोर्ट है। तो यहाँ पे जस्टिस उदय यू ललित अब ये क्या बन जाएंगे 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे, दैट इज एन वी रमन्ना। एन वी रमन्ना से पहले कौन थे, दैट इज शरद अरविंद बोबड़े। और इनसे पहले कौन थे, दैट इज रंजन गोगोई। ठीक है, ये तीन आपने इनसे पहले के भी याद रखने हैं। तो करंट चीफ जस्टिस अभी तक एन वी रमन्ना ही हैं और ये रिटायर हो जाएंगे 27 अगस्त 2022 में, यानी कि जो उनके रिटायरमेंट है ये काफ़ी नज़दीक हैं, तो ये अभी इनके 16-17 दिन रह गए हैं, जिसके तहत इनके बाद अब कौन बनेंगे, उदय यू ललित बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ओके, तो ये आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, कुछ इस प्रकार से हमारा कवर होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, दूसरा यहाँ पे आप डिफेंस से न्यूज़ रिलेटेड न्यूज़ भी देख सकते हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो आप लोग, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके लिए ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बैंकों में भी आजकल तो डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ आ रही हैं, तो डिफेंस न्यूज़ में क्या है, DRDO। ठीक है, तो यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इंडिजिनसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड ATGM। ठीक है, लेजर गाइडेड ATGM, ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बोलते हैं इसको, सो क्या बोलते हैं हम, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो लेजर गाइडेड LG ATGM। इसको किससे टेस्ट फायर किया है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, तो MBT अर्जुन। MBT क्या है, मेन बैटल टैंक अर्जुन। देखिए, अर्जुन एकमात्र भारत का पहला ऐसा टैंक है
ठीक है, जिसे इंडिजिनियसली बिल्ड किया था, यानी कि स्वदेशी निर्मित जिसे हम बोलते हैं, इसे हमने भारत ने खुद, हमारे डिफेंस सेक्टर, हमारी कंपनीज ने इसको क्या किया था, बेसिकली इसको बनाया था, ठीक है, इंडिजिनियसली बिल्ट बोलते हैं ना इसको, तो भारत ने इसको बनाया था, डीआरडीओ ने इसका क्या करा था, हेल्प करा था बनाने में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डीआरडीओ के द्वारा जो एमबीटी अर्जुन है, इसने इस चीज से परीक्षण किया था कि हाँ भाई जो ये हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये सही है या नहीं है। और यहाँ पे आप ध्यान देना, ये लेजर गाइडेड है, लेजर से ही ये गाइड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपने एटीजीएम का फुल फॉर्म कई बार आता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और इसे किससे दागा किया है, दैट इज एमबीटी अर्जुन, यानी कि मेन बैटल टैंक अर्जुन। ओके, तो यहाँ पे एटीजीएम आप लोग याद रखना बस। डीआरडीओ की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, जो कि हमारे बीपीडीआई में आपको देखने को मिल जाएगा 1958 में, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में, और इसके जो हेडक्वार्टर है दैट इज जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में चेयरमैन है। ओके, देखिए ये डिफेंस न्यूज थी, अब आएगा हमारा पर्टिकुलरली दूसरी न्यूज। तो यहां पे इंडियन नेवी का ऑल वुमेन एयर क्रू क्रिएट हिस्ट्री, तो यहां पे आप देख सकते हो ऑन 3rd August 2022 फाइव ऑफिसर्स ऑफ इंडियन नेवी INAS, ठीक है, 314 बेस्ड एट नेवल एयर एनक्लेव पोरबंदर, जो कि यहाँ पे इनकी फ्लीट है, क्रिएटेड हिस्ट्री बाय कंप्लीटिंग द फर्स्ट ऑल वुमेन इंडिपेंडेंट मैरिटाइम रिकॉग्निशन, ठीक है, एंड सर्विलियंस मिशन, जो ये कि मिशन होता है किसका, यहाँ पे इंडियन नेवी का मिशन होता है, जिसमें पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको सारी की सारी ऑल वुमेन्स ऑफिसर्स मिलेंगी यहाँ पे, जिन्होंने ये जो हिस्ट्री है इसको क्रिएट किया है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो INAS 314 इज अ फ्रंटलाइन नेवल एयर स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन क्या होता है, बेड़ा, ठीक है, एक तरीके से जो वहां पे जहाज होते हैं उनका एक बेड़ा। तो यहाँ पे ये पोरबंदर पर बेस्ड है, यानी कि पोरबंदर कहाँ पर है, गुजरात, पोरबंदर वही इलाका है जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था, एंड ऑपरेट्स द स्टेट ऑफ द आर्ट डोर्नियर 228 मैरिटाइम रिकनाइसेंस एयरक्राफ्ट। ओके, तो ये है जो हमने पूरे अच्छे तरीके से हमारे बीपीडीएम में हमने कवर किया है। तो आप इंडियन नेवी के बारे में देख सकते हो, 26 जनवरी 1950 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और अभी जो चेयरमैन है, यानी कि जो इसमें हेड होते हैं, दैट इज एडमिरल आर हरि कुमार, एडमिरल मिल जाएगा आपको किसमें, नेवी में आपको देखने को मिल जाएगा एडमिरल। ओके, तो यहाँ पे आपको मार्शल कहाँ पे देखने को मिलता है, एयरफोर्स में, और जनरल देखने को मिलते हैं इंडियन आर्मी में। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं आज के एनालिसिस की, तो आज के एनालिसिस रिलेटेड डिफेंस न्यूज आपने दो देखी है, बाकी आपको नेशनल न्यूज दो देखी थी, और स्टेट न्यूज में आपको सिर्फ बिहार का नाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको आज कोशिश करी है कि जितना हो सकता है मैं आपको फैक्चुअल, यहाँ पे फैक्चुअल जो नॉलेज है वो भी दे पाऊँ। तो गाइज मिलते हैं हमारे अगले दिन के नेक्स्ट जो हमारा आएगा एनालिसिस, तब तक के लिए गुड बाय।